प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद उनकी लंबी आयु की प्रार्थना के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में जाप किया, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को वैमनस्यता में बदल रही है। इस तरह बदले की भावना से राजनीति नहीं की जानी चाहिए। चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार ने संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज पूरे देश में जनता के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है, चिंता भी है, लोग अचंभित है। भारत के प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवाड़ किया गया, उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। मैं तो हैरत में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। मैं भी 15 साल से मुख्यमंत्री हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे, उनके साथ रहना, आना, जाना। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई उंगली उठाता था, मैं अमेरिका गया था तो मुझे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर है। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री है, वो अंडर अचीवर नहीं हो सकते, भारत के गौरव है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर इस पूरे षड्यंत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं, तो फिर उन्हें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित आ पाए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा देश निंदा कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को, नैतिक कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अगर वो षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा गुरुवार को बाणगंगा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब लोगों के घरों की बिजली कनेक्शन को जोड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन में बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद गरीब लोगों का हजारों लाखों के बिल पकड़ाए जा रहे हैं। कोरोना काल में बिजली के बिल माफ रहेंगे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन वो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, 1.5 लाख का 1.75 लाख का 70 हजार के। मैंने विधानसभा के पटल पे भी रखा था और हमने मांग की थी कि बिजली के कनेक्शन ही काटे जाएं, जो 100 रुपए इंदिरा ज्योति योजना है उसे लिए जाएं। कमलनाथ जी ने ये किया था उस समय कि 100 रुपये बिजली आएगा 100 यूनिट तक, और उस समय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ने कहा था कि मैं कनेक्शन जोड़ूंगा, उन्हें तो जोड़े नहीं, लेकिन हमने आज जोड़ दिए हैं और जहां भी कटेगा हम जोड़ेंगे। बिजली के बिल जो करेंट है वो ली जाए, कोरोना काल के माफ़ की जाए। तीसरी लहर आ गई है, लोगों के काम धंधे बंद है, पैसे लोगों का है नहीं, भुखमरी है, बेरोजगारी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब दंगाइयों की खैर नहीं है और जो कहते हैं वह हम करते हैं। अब उस अधिनियम ने कानून का रूप ले लिया है और कल गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वसूली अधिनियम के तहत अभिकरण का गठन किया गया है। इसमें जो भी राष्ट्र की संपत्ति, निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा उसकी खैर नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के पत्थर निकाले जाएंगे। अब उस अधिनियम ने कानून का रूप ले लिया है और कल गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वसूली अधिनियम के तहत अभिकरण का गठन किया गया है और इसमें जो भी शासकीय संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी अब खैर नहीं है। संपत्ति की भरपाई उस व्यक्ति से की जाएगी। अब दंगाइयों की इस प्रदेश में खैर नहीं है और कोई भी दंगाई अब बचेगा नहीं कानून के हाथों से। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1033 प्रकरण आए हैं, जबकि 102 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। फिलहाल MP में 2475 केस एक्टिव हैं। कोरोना के क्षेत्र में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1033 प्रकरण
कोरोना के नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर सकुशल जाने वाले 102 लोग हैं। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केस 2475 संपूर्ण प्रदेश में है। संक्रमण दर वर्तमान में 1.47 प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर 98.65 है। कल संपूर्ण प्रदेश में जो सैंपल लिए गए वो 70,298 सैंपल लिए गए हैं। भोपाल में 24 घंटे के भीतर 192 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें बाहरी जिलों के संक्रमित भी शामिल हैं जिन्होंने यहां पर टेस्ट कराया था। इसके चलते जिला प्रशासन की लिस्ट के अनुसार 169 केस मिले हैं। इसे मिलाकर राजधानी में एक्टिव केस बढ़कर 398 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बने राजधानी भोपाल में पाबंदियां लागू होंगी, मेलों पर रोक रहेगी। वर्तमान में चल रहे मेलों पर जल्द फैसला किया जाएगा। जिन इलाकों में ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनेंगे। घरों के आसपास बैरिकेडिंग भी की जाएगी। शादी में मेहमानों की लिमिट 250 रहेगी।